Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well being. So welcome back to your channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So today's topic is reproductive system of frogs. So in reproductive system of frog, we discuss each and everything which is related to reproductive system. So I hope you all enjoy this video. So first we read what written in NCERT textbook. After that, elaborate each and everything with simple and easy manner. So let's begin. तो फ्रॉग क्या हमारा, हम सभी जानते हैं फ्रॉग है हमारा वर्टिब्रेट। कैसा वर्टिब्रेट? स्मॉल वर्टिब्रेट है, तो यानी इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा वो बहुत वेल डेवलप होगा, अच्छा खासा पाया जाएगा, ठीक है। एडवांस टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी सारे सिस्टम जो पाए जाएंगे वर्टिब्रेट में, सारे के सारे वो एडवांस टाइप के ही होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फ्रॉग होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है, यानी वो अच्छा खासा होता है, अच्छे से बना होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एलोइस वाइट टेस्टिस, है ना। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसमें एक पेयर जो होंगे एलोइस यानी पीले कलर की ओवाइड मतलब अंडाकार, टेस्टिस मतलब क्या होंगे, टेस्टिस पाए जाएंगे। टेस्टिस कैसे होंगे? ओवाइड होंगे। कैसे होंगे? ओवाइड यानी अंडाकार होंगे टेस्टिस जो पाए जाएंगे, ठीक है। एलोइस कलर के होंगे, एक पेयर होंगे, ठीक है। जो फिगर दिखाया गया हमको 7.21, वो हम फिगर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सारा जो टेस्ट में लिखा गया है उसको कवर करते हैं। विच आर फाउंड एडेयर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाई डुअल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल मिजोर्चियम, ठीक है। जो फ्रॉग के टेस्टिस होंगे वो कहाँ पे होंगे, इसमें ये बताया गया है। विच जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के टेस्टिस जो होता है वो एलोइस कलर के होते हैं, ओवाइड होते हैं, ठीक है। तो विच आर फाउंड एडेयर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय द डुअल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोर्चियम, है ना। जो टेस्टिस होंगे ये कहाँ पे पाए जाएंगे? अपर पार्ट ऑफ द किडनी, है ना, किडनी के अपर पार्ट में पाए जाएंगे। ये एडेयर होते हैं यानी चिपके हुए होते हैं बाय डुअल फोल्ड मेम्ब्रेन, है ना, बाय डुअल फोल्ड पेरिटोनियम। तो ये चिपके हुए होंगे, इसको क्या बोलते हैं? मिजोर्चियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजोर्चियम। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में दे देगा कि मिजोर्चियम क्या होता है, तो हम ये बता देंगे कि जो फ्रॉग के टेस्टिस होते हैं वो किडनी के अपर पार्ट में होते हैं, जो डबल फोल्ड में पेरिटोनियम से क्या होते हैं, डबल फोल्ड पेरिटोनियम से एडेयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिजोर्चियम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वासिप्रिंसिया, जो वासिप्रिंसिया होती है आर 10 to 12 इन नंबर डेट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। जो वासिप्रिंसिया होगी वो टेस्टिस से अराइज होगी और 10 से 12 इन नंबर में होती है, यानी 10 to 12 इन नंबर में होती है, जो कि अराइज होती है कहाँ से? टेस्टिस से अराइज होती है। दे इंटर इन किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इन टू बिटर कैनाल। ये किडनी में ओपन होती है और ये इंटर करती है किडनी में और ओपन होती है कहाँ पे? बिडर कैनाल पे। ये कैनाल पाई जाती है, बिडर कैनाल, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिडर कैनाल क्या होता है, स्पर्म का पाथवे बताएंगे, क्या पाथवे होता है स्पर्म का, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो आगे देखते हैं, दे इंटर किडनी, ये इंटर किडनी में इंटर करती है, है ना, ओपन इन टू बिडर कैनाल और बिडर कैनाल में जाके खुलती है। फाइनली द कम्युनिकेट विद द यूरोजेनाइटल डक्ट डेट कम आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इन टू क्लोएका। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ। जो फ्रॉग होता है, जो फ्रॉग में जो होता है क्या होता है? क्लोएका होता है। फ्रॉग में क्लोएका होता है, ये तीन चीज़ों की ओपनिंग को गाइड करता है। एक तो स्पर्म की ओपनिंग को, यानी मैं मेल फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, ये क्लोएका जो होगा तीन चीज़ की ओपनिंग को गाइड करेगा, यानी स्पर्म की ओपनिंग को, यानी इसी से स्पर्म आएंगे इसी में, ठीक है, इसी में यूरिन आएगी और इसी में क्या आएगा? फीकल मेटल आएगा। क्या आएगा? फीकल मेटल जो आएगा ये इसी में आएगा, क्लोएका में आएगा, इसमें कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं होती है, तीनों की चीज़ें आके इसी में खुलती हैं। और जो फीमेल फ्रॉग होता है उसमें क्या होता है? उसमें सेपरेट ओपनिंग होती है, तो यानी उसमें सेपरेट ओपनिंग होगी तो ओवा के लिए
और यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए अलग अलग सेपरेट ओपनिंग होगी, वो भी आके कहाँ पे खुलेगी, क्लोएका में आके ही खुलेगी, बट सेपरेट ओपनिंग होगी। तो इसका मतलब यही है, ठीक है, इसका मतलब यही है। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरोजेनाइटल डक्ट, ये यूरोजेनाइटल डक्ट से कम्युनिकेट करती है, यानी उसके साथ मिलकर कम बाहर आती है किडनी से और क्लोएका में आके खुल जाती है, ठीक है। द क्लोएका स्मॉल मीडियन चैम्बर, जो क्लोएका होता है क्या होता है, वो स्मॉल मीडियन चैम्बर होता है जो बीचों बीच पाया जाएगा, मीडियन चैम्बर होता है डेड यूज फॉर पास फीकल मेटल, है ना, इससे फीकल मेटल भी पास होगा, यूरिन भी पास होगी, स्पर्म पास होगी, स्पर्म टू एक्सटीरियर, यानी इसी से तीनों चीज़ें बाहर निकलेंगी, क्या क्या, फीकल मेटल, ठीक है, यूरिन और स्पर्म आके बाहर निकलेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर दिखाया गया, मैं फिगर बाद में दिखाऊंगा, पहले टेस्ट में देखते हैं, आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हुए इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ए पेयर ऑफ ओवेरी, है ना, इसमें एक पेयर ओवेरी पाई जाएंगी, यानी दो ओवेरी पाई जाएंगी, वन पेयर मीन्स टू ओवेरी, ठीक है, वन पेयर मतलब दो ओवेरी पाई जाएंगी। द ओवेरी आर सिचुएटेड नियर किडनी, जो ओवेरी होती हैं वो किडनी के पास सिचुएटेड होती हैं, बट देयर इज नो फंक्शन कनेक्शन विद किडनी, बट इनमें कोई कनेक्शन नहीं होता है किडनी से, जैसा कि मेल फ्रॉग में किडनी जो थी उसके अपर पार्ट में पाई जा रही थी और डुबल फोल्ड पेरिटोनियम से वो कवर्ड थी, और जिसको क्या बोलते थे, मेजॉर्चियम बोलते थे, ठीक है, तो बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द ओवेरी आर सिचुएटेड नियर द किडनी, देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, किडनी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट एराइज, ओविडक्ट ए पेयर, यानी भाई दो ओवेरी हैं तो यानी दो ओविडक्ट होंगी, ओविडक्ट क्या होंगी, जो ओवेरी से निकली हुई डक्ट, क्या होगी, ओवेरी से निकली डक्ट को हम क्या बोलेंगे, ओविडक्ट बोलेंगे, क्योंकि दो ओवेरी हैं तो यानी दो ही ओविडक्ट होंगी, ठीक है, यानी वन पेयर। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट एराइज, कहाँ से एराइज होती हैं, फ्रॉम द ओवेरी, एक पेयर ओविडक्ट जो होती हैं ओवेरी से एराइज होती हैं, ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली, और वो क्लोएका में आके सेपरेटली खुल जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि फीमेल कॉकरोच में यूरिन के लिए और इसके ओवा के लिए अलग अलग रास्ता होता है, बट वो सेपरेटली आके कहाँ पे खुलते हैं, क्लोएका में आके ही खुलते हैं, ठीक है, बट सेपरेट ओपनिंग होती है, जो कि मेल फ्रॉग में एक ही से ओपन होता है, उसमें कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं होती है। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000, है ना, यानी 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में मैच्योर जो फीमेल होती है फ्रॉग की वो देती है, है ना, क्या देती है, यानी एक टाइम में जो मैच्योर फ्रॉग होगी वो 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में देगी, यानी अंडे देगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर, जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्सटर्नल होगा, और कहाँ पे होगा, वाटर मीडियम में इसका फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, याद रखेंगे, फ्रॉग में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, उसका मीडियम क्या होगा, उसका वाटर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर मीडियम होगा ना। डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए लार्वा स्टेज, जिसका डेवलपमेंट होता है इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती हैं, डेवलपमेंट जो होता है इसमें लार्वा स्टेज पाए जाएंगे, डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वा स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोलते हैं, इसका टैडपोल लार्वा में एक एक्सेप्शन होता है, जो एडल्ट फ्रॉग होता है, एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटिलिक होता है, एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटिलिक होता है, बट जो टैडपोल होता है ये कैसा होता है, अमोनोटिलिक होता है, यानी इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा, अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए बहुत वाटर की ज़रूरत पड़ती है, है ना, हाईली टॉक्सिक होता है, बट टैडपोल में ये पाया जाता है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट, जो टैडपोल होता है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, जो टैडपोल होगा वो मेटामॉर्फोसिस में जाएगा, यानी और उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो फ्रॉग होता है वो
बेनिफिशियल होता है मैनकाइंड के लिए यानी ह्यूमन के लिए, वो कैसा होता है, मैनकाइंड का मतलब होगा ह्यूमन के लिए जो, यानी मानव के लिए जो बेनिफिशियल हो, ह्यूमन के लिए क्या हो, वो बेनिफिशियल हो, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, उसको मैनकाइंड बोलते हैं, बेनिफिशियल हो, ठीक है, बेनिफिशियल, ह्यूमन के लिए जो बेनिफिशियल हो उसको मैनकाइंड बोलेंगे। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट, ये जो होता है बेनिफिशियल क्यों है, ये इंसेक्ट को खाता है क्योंकि इंसेक्ट होते हैं, है ना, हमारे क्रॉप को नष्ट करते हैं, यानी क्रॉप को हमारे हार्म पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, तो इसीलिए फ्रॉग जो है इंसेक्ट को खाता है, है ना, तो इंसेक्ट को खाएगा तो क्या करेगा, फ्रॉग जो होगा इंसेक्टों को खाएगा एंड प्रोटेक्टेड क्रॉप, जो हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा यानी इंसेक्ट से हमारी फ्रॉग क्रॉप को बचाएगा, ठीक है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, जो फ्रॉग होता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेव में पार्टिसिपेट करता है, है ना, एक इसका लिंक होती है फूड चेन और फूड वेव में, तो इसमें इकोलॉजिकल सिस्टम को ये मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव इन इकोसिस्टम, क्योंकि जो फ्रॉग होता है ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक फूड चेन और फूड वेव में इकोसिस्टम के, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इसकी, ठीक है। इन सम कंट्री द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज एज फूड बाय मैन, कुछ कंट्री यानी कुछ देशों में जो होता है इसके मस्कुलर लेग जो होते हैं वो खाए जाते हैं, है ना, फूड के रूप में मनुष्य खाते हैं, क्या खाते हैं, मनुष्य इनके लेग को, मस्कुलर लेग को फूड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, एज ए फूड यूज, मस्कुलर लेग को एज ए फूड यूज करते हैं। सो अब इसके हम फिगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो फिगर मैंने आपको बोला था बाद में दिखाएंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये हमको जो फिगर दिया गया है ये किसका है, मेल फ्रॉग का है, इसमें क्योंकि वास इंप्रेंसिया दिखाई गई हमको, है ना, और ये जो टेस्टिस जो दिखाए गए ये एलोइस कलर के हैं, एलोइस कलर के हैं, ओवल शेप के हैं, और ये किडनी से डुअल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको क्या बोल लेते हैं, मेजॉर्चियम बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं इसको, मेजॉर्चियम बोल लेते हैं, ठीक है। और ये फैट बॉडी है ना, फैट बॉडी जो होती है, फैट बॉडी का काम क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करती हैं, है ना, एनर्जी को स्टोर करती हैं, एनर्जी वो स्टोर एनर्जी कब यूज होती है, जब फ्रॉग हाइबरनेशन में जाता है, एस्टिवेशन में जाता है, तो वो एनर्जी यूज होती है, और ड्यूरिंग मेटिंग टाइम जब मेट करते हैं, कॉपुलेट करते हैं, तब वो एनर्जी यूज होती है, ठीक है, फैट बॉडी का ये काम होता है। और ये वन पेयर टेस्टिस दिखाए गए हैं, एक टेस्टिस ये येलोइस कलर का है, ये मेजॉर्चियम जो डबल फुल मेजॉर्चियम से पेरिटोनियम से है, ये इसको बताया गया था मेजॉर्चियम, ठीक है। और ये फैट बॉडी होगी, ये किडनी होगी, ठीक है, ये किडनी, और ये एड्रेनल ग्लैंड्स है ना, जो एड्रेनल हार्मोन्स वगैरह सिक्रिएट करेगी, ठीक है। और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब ये क्या ले जाएगा, यूरिन इसमें होगी, यूरिन जाएगी, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट किडनी से होती हुई आ रही है, कहाँ पे ओपन हो रही है, ये क्लोएका में ओपन हो रही है, क्लोएका में, ठीक है। और ये रेक्टम, रेक्टम यानी यहाँ से फिकल मेटल बाहर होगा, रेक्टम जाके कहाँ पे खुलेगा, रेक्टम जाके भी क्लोएका में खुलेगा, ठीक है। और स्पर्म वाली जो स्पर्म का पाथवे होगा, है ना, वासिप्रिंसिया ही जाके वहाँ खुलेगी, ये वासिप्रिंसिया के कहाँ पे खुली, क्लोएका पे, ठीक है। तो यानी तीनों चीज़ें आके क्लोएका पे ही खुलेंगी, ये क्या है, ये क्लोएका है, और ये जो क्लोएका वाला पर्चर है, यहाँ से चीज़ें बाहर निकलेंगी, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यानी तीनों चीज़ें, यूरिन वाला रास्ता, ठीक है, फीकल मेटल वाला, रेक्टम से फीकल मेटल आएगा, है ना, और इससे क्या आएगा, स्पर्म वाला रास्ता, सब आगे कहाँ पे खुला, क्लोएका पे ही खुला, क्लोएका से वो बाहर जाएगा, ठीक है। जो इस फ्रॉग में स्पर्म का पाथवे क्या होता है, फ्रॉग में स्पर्म का पाथवे क्या होता है, जो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे वो भी कहाँ जाएंगे, फिर वासिप्रेंसिया में जाएंगे, टेस्टिस से क्या जाएंगे, वो वासिप्रेंसिया में जाएंगे, वासिप्रेंसिया से वो क्या जाएगा, वासिप्रेंसिया होती हुई किडनी में जाएगी, और किडनी से क्या जाएगी, किडनी में कहाँ जाएगी, बिडर कैनाल, है ना, किडनी से कहाँ जाएगी, बिडर कैनाल, बिडर कैनाल से क्या जाएगी, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट है उसके थ्रू जाएगी, और वो की सारी चीज़ें कहाँ पे खुल रही थी, क्लोएका में जाके खुल रही थी, यानी क्लोएका जो थी सेपरेट ओपनिंग नहीं थी, उनमें एक ही ओपनिंग थी, सारी की सारी चीज़ें उसी में जा रही थी। तो इस स्पर्म का पाथवे क्या हुआ, टेस्टिस में, टेस्टिस से वासिप्रेंसिया में, वासिप्रेंसिया जाएगी किडनी में, और किडनी जो जाएगी, किडनी से जो होते हुए कहाँ जाएंगे, वो बिडर कैनाल में जाएंगे, बिडर कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाएंगे, उसके बाद वो कहाँ पे खुलेगी, क्लोएका में जाके खुलेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ओविडक्ट है, ओविडक्ट क्या है, ये क्या है, ओबा ओबा ले जाने वाली डक्ट को ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ओवेरी होगी, ओवेरी है, ठीक है। उसके बाद ओवेरी में ये जो स्ट्रक्चर दिखाएगा हमको, ये ओबा है, ठीक है। ये क्या है, ओबा है। ओबा कितने बार निकलते हैं, कितने, 2500 से 3000, 3000 जो होंगे एक बार में, ठीक है, एक बार में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये यूरेटर आए हुए हैं किडनी से, यूरेटर, वन पेयर यूरेटर हो गए, है ना, दो, वन पेयर यूरेटर हो गए। ये आके खुल रहे हैं कहाँ पे, कुलेका में, कुलेका जो ओपनिंग है, बट इसमें सेपरेट ओपनिंग है, इसमें जो ओपनिंग है वो सेपरेट है। देखो ओविडक्ट वाली जो है, ये जो है, ये ओविडक्ट वाली है, ठीक है, ये जो है ओविडक्ट वाली है, ये यूरिनोजेनाइटर यानी यूरेटर वाले हैं, यानी इससे यूरिन आएगी, इससे क्या आएगा, ओबा आएंगे। ये जो खुल रहे हैं कहाँ पे, कुलेका पे आके ही खुल रहे हैं, बट इसकी जो ओपनिंग, इसकी ओपनिंग ये यानी सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है। इसके कुलेका लपर्चर हुआ, इससे चीज़ें एक्सटर्नली जो बाहर निकलेगा, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हुआ। तो फिलहाल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग खत्म हो चुका, यानी पूरा चैप्टर ये खत्म हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी नए चैप्टर के बारे में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो कीप सपोर्ट, वॉच द वीडियो टिल एंड। जब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।